देखिए, हमें को जाम करने का शौक नहीं है, लेकिन आज हमारे गांव की वो दुर्दशा हो गई, पूरा गांव सलम बना दिया, हर गली में गंदा पानी है, जल बोर्ड के पाइप फटे पड़े हैं और पूरे गांव में से हम कहीं से निकल नहीं पा रहे, सारे गांव में कीड़े फैल रहे हैं, हमारी माताएं बहनें अपने कपड़े ऊपर करके उसमें से निकल रही हैं। हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। हमारे कोई भी, कल एक हमारे गांव से एक बुजुर्ग का देहांत हो गया, शमशान भूमि में ले जाने की जगह नहीं, ट्रॉली में ट्रैक्टर में ले कर गए और वो ट्रॉली ट्रैक्टर हमारा पलट गया, 15-20 लोगों को चोटें लग गई। अरे ये कैसा प्रशासन है, कैसी केजरीवाल सरकार है। पहले कहता था मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, उसने तो दिल्ली को दिल्ली भी नहीं छोड़ा, दिल्ली में बुरा हाल कर दिया, कहीं निकलने का रास्ता नहीं। आप रानीखेड़ रोड पर चले जाओ तो पानी भरा है, कमरदीनगर रोड पर चले जाओ तो पानी भरा है, निरौले रोड पर जाओ तो पानी भरा है, एड़कुदने की तरफ जाओ तो पानी भरा है। ये समस्या इसी साल से 2 साल से ज्यादा है। हमने ये धरना पहले भी 1 महीने पहले दिया था, तो SHO साहब ने, ACP साहब ने सहयोग किया और उन्होंने थाने में अधिकारियों को बुलाया था, हम भी गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 हफ्ते में पूरा सारा पानी निकाल देंगे, लेकिन आज 1 महीना हो गया, हमें मजबूर होकर दोबारा से यहाँ पर बैठना पड़ा। ये धरना जब तक चलेगा जब तक कि इसका समाधान नहीं हो जाता, यहाँ के मुख्यमंत्री या मंत्री आकर यहाँ ये काम शुरू नहीं करवाते तब तक होगा। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले काफी वर्षों से ये समस्या इतनी विघट हो गई है कि ग्रामीणों का तो छोड़ो, जो लाखों लोग यहाँ से हरियाणा या पंजाब आते जाते हैं उन सभी को बहुत परेशानी है, और खासकर जो मुंडका के रहने वाले लोग हैं, उसमें आप बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, समाज में हर तरीके का आदमी रहता है, मगर सरकार का जो मूलभूत काम होता है कि वहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर में बेहतरी आए, मगर यहाँ पिछले कई वर्षों से एकमात्र सरकार का काम रहा है कि कैसे मुंडका वालों से बदला लिया जाए, कैसे मुंडका वालों को दुखी किया जाए, कैसे मुंडके वालों को परेशान किया जाए, इसके अलावा इनका दूसरा कोई ध्येय नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं ये उसी का गुस्सा आप देख रहे हैं रोड पर, ये माताएं बहनें आप देख रहे हैं, सब बैठी हैं हमारी, कोई अन्यथा निकल के नहीं आता, जब समस्या बिगड़ हो जाती है तभी निकलना पड़ता है। अगर आप रोहतक रोड की बात करें तो लगभग पिछले पूरे आप देखें 6.5-7 साल से रोहतक रोड का बुरा हाल है, अभी मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया मगर पूरा 1 साल होने के बाद भी ये रोड पूरा बनके तैयार। देखिए, यहाँ जो सरकार है और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने पंजाब की राखी सावंत तो ढूंढ ली मगर दिल्ली की राखी सावंत कौन है ये कौन बताएगा, ये कौन तय करेगा कि दिल्ली का भविष्य कैसा होगा। यहाँ की चुनी हुई सरकार, उसका मूलभूत जिम्मेवारी दिल्ली की है, वो कभी पंजाब भागते हैं, कभी उत्तराखंड भागते हैं, मगर अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि विधायक अपनी नीचता का, अपने छोटेपन का, अपने दिमागी दिवालियापन का पूरा यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे जो इलाके की बात करें तो इलाके में कई बार लोगों ने विधायक को निगम पार्षद से समस्या का समाधान करने के लिए कहा, लेकिन आज तक कैसे रहते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, विधायक जो है यहाँ का, उसने ताउम्र उल्टे सीधे काम किए हैं, उसका अच्छे कामों से कोई सरोकार नहीं है, उसकी जो मानसिकता है वो मानसिकता सिर्फ पैसे कमाने की और 2 नंबर के धंधे करने की है, उसको नहीं मालूम है कि लोगों का दर्द क्या होता है और उसके काम के लिए कैसे धक्के खाने पड़ते हैं तब लोगों का काम होता है। सिवाय दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के विधायक को दूसरा कोई काम नहीं है, अपने निकम्मेपन को दूसरों पर डालने से नहीं चलेगा। आपको जो जिम्मेवारी मिली है, आप कोई राजा थोड़ा ही हो यहाँ के, अगर आपके मन में ये वहम है कि आप यहाँ के राजा हो गए हैं तो ये वहम निकाल देना, नहीं तो हम निकाल देंगे। और ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि जब जब आप इस गांव के लोगों की और इस गांव की बेइज्जती करोगे तो हम सामने खड़े होंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।
और इसके लिए तैयार रहना। एक दो बार आपने ऐसी नीचता की है और अपनी ऐसी छोटी मानसिकता दिखाई है जिसमें आपने मुंडका गांव के लोगों के बारे में और मुंडका गांव के बारे में ओछी भाषा का इस्तेमाल किया है, मगर अपनी जुबान को लगाम दे। विधायक जो इसको जिम्मेवारी मिली है उसको अपना जो इसका समय है उसमें पूरा करे, नहीं तो यहाँ ये वही मुंडका है, यहाँ बहुत लोग आए और गए। जनप्रतिनिधि आपको चुना गया है तो आपको जो जिम्मेवारी है वो कीजिए। मेरा नाम है कमला। मैम आज आप अपने घरों के काम को छोड़कर सड़क पे बैठे हो, क्या कारण है? घरों का काम इसलिए छोड़ा है कि हमारे बच्चे बीमार होने लग गए हैं, मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, बीमारी है, कीड़े मकोड़े जो भी सब घर में घुस रहे हैं, पानी अंदर तक गाँव में चला गया है, ना बच्चे निकलने के ना बुजुर्ग तो निकल ही नहीं सकते। हम एक तरह से कैद होकर गाँव में बैठ गए, अपने घरों में बैठ गए हैं। हम इतने परेशान हैं, जरूरत का सामान भी लेने नहीं जा सकते। बच्चे काम से बाहर चले जाते हैं तो बैठे रहो भूखे, बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते, हमारे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते। हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। ये एक के लिए नहीं, हमारे गांव से जिसको भी ये मिली है ये सहायता, जो भी हमारे गांव का ये बना है, चाहे MLA है, चाहे काउंसलर है, कोई भी है, उसका हक यही है कि आसपास की गंदगी को जहाँ तक भी ये नहीं एक दिन में जैसे भी साफ करो, आना चाहिए, आश्वासन दिलाना चाहिए कि मैं इस काम को करूंगा। ना कोई यहाँ के विधायक की तो विधायक के इलाके में आते हैं, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। और उनकी जो बोलना है उनका यही बोलना है कि आप लोगों ने क्या मेरी वोट दी, मैं आपका काम करूंगा। ये सबसे गलत बात है। ये गांव की ये नहीं, गांव किसने बना दिया आपको? बना के किस लिए बनाया? घर में बैठने के लिए नहीं क्या? वो बन के बैठ गया, जिस जंगल में आग लग जाती है तो चूहा बिल में घुस के बैठ जाता है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव की साफ सफाई हो। ये पानी जो इकट्ठा हो रहा है ये साफ होना चाहिए। पहले तो पानी की निकासी होनी चाहिए। बाहर से भी जो लोग आते हैं सबको परेशानी होती है, सुनने की किस मुंडका को, सभी को परेशानी। हम बहुत ज्यादा परेशान है समस्या के चलते। आज आप लोग रोड पे आ गए, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? हम जब तक चलेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान।